तेरा मेरा साथ रहे में प्रिया की चाल पड़ जाएगी उल्टी और होगा कुछ ऐसा ही कमाल। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि प्रिया काफी कुछ ड्रामा करने की कोशिश करती है गोपिका को और रक्षम को अलग करने के लिए, और तीन दिन अब उसने ठान लिया कि 3 दिन में गोपिका को घर से बाहर कर देगी। तो वही देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर मिथिला के लिए बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर देकर गया है और अब यहाँ पर सक्षम को यकीन नहीं है कि वो कुछ भी इंग्लिश में पढ़ पाएगी, इसलिए वो खुद कंफर्म करता है और गोपिका सच सच सही को सब बता देती है। तो वही देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही प्रिया करने की कोशिश करेगी, उन दवाइयों को चेंज करने की कोशिश करेगी ताकि गोपिका पर और बड़ा ब्लेम आ जाए, जिसके बाद में मिथिला भी उसका साथ ना दे पाए। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि गोपिका तो पहले ही इंग्लिश सीखना शुरू कर देती है, वो भी चिराग के साथ मिलकर, और चिराग उसका टीचर बन चुका है और वो ठान लेता है कि उसे इंग्लिश सिखा के रहेगा, और गोपिका ने अपनी क्लासेस भी शुरू कर दी है जो कि प्रिया पर उल्टी पड़ने वाली है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि गोपिका को सक्षम लेकर जाता है किचन में और वो मिथिला के लिए और यहाँ पर घर वालों के लिए कुछ बनाने की कोशिश करता है, यानी कि अब मिथिला को सरप्राइज देने की कोशिश करेगा केक बनाकर। तो वह मिथिला के लिए एक बहुत प्यारा सा केक बनाने की कोशिश करता है और उसमें गोपिका की मदद मांगता है, और यहाँ पर थोड़ी सी एक लव मोमेंट्स इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है, और गोपिका ठान लेती है कि वो वापस से अब सक्षम के और उसके बीच में सब कुछ ठीक कर देगी और इंग्लिश सीख कर उनकी ये समस्या भी दूर कर देगी। तो वहीं प्रिया 3 दिन का ठान चुकी है कि गोपिका को वो फिर से सक्षम की जिंदगी से बाहर कर देगी। अब देखते हैं कि प्यार जीतता है या फिर प्रिया की नफरत।